हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, अभी हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के नए नोटिफिकेशन के ऊपर। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि फ्रेंड यहाँ पे ग्रुप डी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 24/1/2022 के डेट में। फ्रेंड, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विथ रिफरेंस टू द डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2019 पब्लिश ऑन 23/2/2019 एंड ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स थ्रू द वेबसाइट 12/3/2019 एंड कोरिजेंडम अमेंडमेंट नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT पब्लिश ऑन 15/3/2019 और 27/3/2019 एंड 8/12/2021 रेस्पेक्टिवली थ्रू द वेबसाइट ऑफ RRB फ्लोइंग चेंज आर मेड थ्रू द कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 3। यानी कि फ्रेंड, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पूर्व में जो एग्जाम का डेट दिया गया था, पूर्व में जो फॉर्म भरने की जो डेट जारी किया गया था और एग्जाम डेट जो जारी किया गया था उसे अब चेंज किया जाता है, जो कि अमेंडमेंट नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2। यानी कि फ्रेंड इसका कहना ये है कि अब इसे चेंज करके, ठीक है, इसमें CBT 1 और CBT 2 लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे इस रेलवे के द्वारा कहा जा रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि ज़्यादा नंबर होने के कारण रेलवे हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट 2-स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेलवे ने डिसाइड किया है कि इसका जो एग्ज़ाम है 2 स्टेज में लिया जाएगा। इन टर्म ऑफ पारा नंबर 3 द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन प्रोसेस पेज नंबर 3 पारा नंबर, मतलब ये दिया गया है। और फ्रेंड यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए में देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेज जो होगा CBT 1 स्टार्टिंग फॉर्म 23/2/2022 विल बी एज पर द पारा नंबर 14.1 ऑफ द विज्ञापन संख्या 2019 इन मल्टीपल फेज। यानी कि इसका जो एग्ज़ाम है फ्रेंड CBT 1 का, वह मल्टीपल फेज में होगा। ठीक है, जो पूर्व में जो दिया गया था इसका उसी के अनुसार। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रीवेलिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक। फ्रेंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोविड पैंडेमिक का के कारण, ठीक है, मतलब इसमें कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइंस किया गया था। द सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर CBT 1 विल रिमेन सेम एज मेंटेन अंडर पारा नंबर इतना रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ CEN। ठीक है, यानी कि फ्रेंड पारा 14.1 में जो दिया गया है उसी के अनुसार CBT 1 आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड सेकेंड स्टेज में कहा जा रहा है कि CBT 2। ठीक है, यानी कि CBT 2 में जो आपका होगा सिलेबस 10th standard सेम एज CBT 1। ठीक है, CBT 1 जो आपका हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपका CBT 2 होगा। ठीक है, जो कि आपका 10th standard होगा। और फ्रेंड यहाँ पे क्या किया है देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है CBT 2 का जो है उसमें 120 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लीजिए, जनरल साइंस का दिया गया है 30 और मैथमेटिक्स का 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 35 और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स का 25। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो फ्रेंड यहाँ पे दिया गया है 120। यानी कि फ्रेंड नेक्स्ट स्टेज यानी कि CBT 2 जो आपका होगा वह 120 नंबर का होगा। ठीक है, और 120 क्वेश्चंस भी रहेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड कहा गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT 2 15 times यानी कि 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा नोटिफाई वैकेंसी के अनुसार। तो फ्रेंड यहाँ पे यही कह रहा है और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फ्रेंड यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया है। और फ्रेंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पारा नंबर 14.3 में कहा गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि फ्रेंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, वैसे कैंडिडेट जिनका CBT 2 क्लियर होगा। ठीक है, और CBT 2 क्लियर में होने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे उनका PET होगा। ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा और जो कि यहाँ पे 1:1 के रेशियो में यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो यही वो दिया गया है जो कि रेलवे
बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। फ्रेंड यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यह कैंडिडेट के हित में जारी नहीं किया गया है। तो फ्रेंड यही वो अपडेट्स था। फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फिर नेक्स्ट अपडेट की।